तो सरकारी योजनाओं पर अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार करने का यह कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी अनेक मामले सामने आते रहे हैं। ताजा मामला सिवनी जिले का है, जहां जिले के सभी 8 विकास खंड पर आदिवासी उप योजना के अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता से जिले में करीब 574 गरीब आदिवासी किसानों को विद्युत मोटर एवं पंप और अन्य सहायक सामग्री खरीदने के लिए उनका चयन हुआ। योजना के मुताबिक सभी पात्र आदिवासी किसानों के बैंक खातों पर जनपद पंचायतों के माध्यम से योजना के नियमानुसार 30,000 रुपए प्रदान कर दिए गए, ताकि किसान अपनी मनपसंद मोटर पंप व अन्य सामग्री खरीद सके। लेकिन कुछ ही दिनों में आदिवासी किसानों के खातों से रुपए लापता हो गए। 4 माह बीत जाने के बाद भी न तो किसानों के खातों में रुपए वापस आए और न ही उन्हें किसी प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई गई। गरीब आदिवासी किसानों ने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत जिले के उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों से भी की, लेकिन भ्रष्टाचार में सहयोगी बने सभी ने अपना मुंह मोड़ लिया। जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। किसानों के खातों से पैसा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडिया डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिवनी के द्वारा निकाला गया था। हमारे पास वह आदेश भी है जिसमें नियमों का हवाला है और कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि MP स्टेट एग्रो किसानों के लिए अपनी पसंद की विद्युत मोटर पंप और अन्य सामग्री खरीद कर वितरण करेगा, जबकि यह एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ किसानों को उचित मार्गदर्शन देकर शासन से स्वीकृत ISO मार्ग की सभी ब्रांडेड कंपनी की मोटरें व सहायक सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का कार्य करना था, जिससे किसान अपनी मनपसंद सामग्री खरीद सकें। इसके बदले संस्था को 5% कमीशन किसानों से मिलता। लेकिन मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडिया डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिवनी के जिला प्रबंधक AK नेमा ने सारे नियमों को ताक पर रखकर गरीब आदिवासी किसानों के खातों से पूरे 30,000 रुपए निकालकर स्वयं की पसंद वरुण कंपनी का मोटर व पंप और अन्य सामग्री चोरी छिपे ग्राम पंचायत भवनों में लाकर रख दिए और सही मौका देख यह किसानों को बांटने की जुगत में लगे हुए हैं। जिले के कुछ किसानों को गुमराह कर उनके घरों में सामग्री भी पहुंचा दी गई। हम जब MP एग्रो के जिला प्रबंधक AK नेमा से बात करने पहुंचे तो वह कार्यालय से नदारद पाए गए। पता चला कि वह अपनी बीमारी का इलाज कराने बेंगलोर गए हुए हैं। पैसा हमारे खाता में आया 30,000 और हमें कोई पता नहीं कैसे सामान ला, कौन सी कंपनी सामान ला के यहाँ खरीद ला के दे घर गए, तो हम तो जो सामान नहीं लेना चाहे सर। क्यों, आपकी ये सामान मनपसंद नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने आपसे दस्तखत वगैरह करवाए होंगे पेपरों में, तो आपने दस्तखत करके दी होंगे? जी सर, अब लाए तो हैं बहुत सारे कोर कागजों में लाए हैं, तो वो पता नहीं हमें कौन से कागज में कौन सी कागज लिख दे रहे हैं फिर भी होते हैं। तो आपके सामने उन्होंने भरे नहीं थे? नहीं, कागज में साइन नहीं। आपने नहीं पूछे उनसे कि कौन से पेपरों भाई हमसे दस्तखत ले रहा है? उन्होंने बोले कि अब सामान आपके पैसे चले जाएंगे, ऐसे वो सामान तुम्हारे पसंद को आ जाए, तो अब हम देख ही रहे हैं कर ला है कैसे, और वो बिना पूछे पार चीज जो सामान ला था। तो जो आपकी पसंद का सामान था वो यहाँ नहीं आया पंचायत? नहीं आया। तो आप ये जो सामान आया इसको आप लेंगे? नहीं लेंगे। वहीं आदिवासी किसानों का कहना है कि हमारी बिना मर्जी के यह मोटर पंप व सामग्री लाकर रखी गई है, हमसे हमारी राय नहीं ली गई, हम वरुण कंपनी का सामान नहीं खरीदेंगे। इस पूरे खेल में जनपद पंचायत के SDO भी शामिल है, जिन्होंने किसानों से कोरे फार्म और दस्तखत व अंगूठा का निशान लगवा कर उन्हें गुमराह करने का कार्य किया है। वहीं इस पूरी योजना के निगरानी की जिम्मेदारी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भी है, जो किसी बड़े लालच में आकर अपनी आंखें मूंद बैठे हैं। सरकार ने हमको 30,000 रुपए ये गरीब लोगों के खाता में दी है मोटर पंप के लिए। हाँ। तो हम अपने मन पसंद का सामान खरीदेंगे। हाँ। तो अधिकारी लोगों ने जो हमसे पूछे भी नहीं और जो सामान हाँ उनने यहाँ ले आए। कहाँ, ये पंचायत भवन में ला के रखे हैं क्या? पंचायत भवन में जी। अच्छा जी। तो ये जो वरुणा कंपनी का सामान पंचायत भवन में रखा है जी, इसको आप लेना चाहते हो? नहीं लेना चाहते? इसको हम नहीं लेना चाहते, हम अपना मन पसंद का सामान लेंगे। अच्छा जी। और आपके खातों में भी पैसा है कि निकल गया? हमारे खाता में पैसा नहीं है जी, वो तो अभी हमारे कौन तारीख की निकाले जो वो रखी हुई है। अच्छा, निकलवाए थे हमने। हाँ बताए का। हाँ, तो वो पैसा जो है वो किसने निकाल लिया? वो पैसा अब कमाल, अब हमें तो मालूम ही नहीं और हमारे खाता से पैसा ट्रांसफर हो गया। अच्छा, कुरेशी जी ने हमसे कोरी कागजों में जो दस्तखत उन्होंने 7-8 बार करवाए हैं। हाँ। वे कोरे फार्मों में हमका कोई मालूम ही नहीं है।
अच्छा जी, ये कुरैशी जी कहाँ काम करते हैं? ये ब्लॉक में रहते हैं जी, जनपद लखनादौन, लखनादौन में। अच्छा, तो उन्होंने बताया नहीं कि ये कोरे पन्नों में दस्तखत क्यों करवा रहे हैं? ये हम इसकी दस्तखत करवा रहे हैं आप लोगों से, और दस्तखत हमसे भूले भाले गरीब लोगों से इन्हें ले लिए। सर, ये किस कंपनी का सामान जो है ये किसानों को दिया जा रहा है? ये एग्रो के माध्यम से सामग्री दी जा रही है, उसमें वरुणा कंपनी का उल्लेख किया गया है, कंपनी की सामग्री दी जा रही है। सर, है क्या दी जा रही है किसानों को जो 30,000 रुपए के बदले में सामग्री वरुणा कंपनी की दी जा रही है? पंप है, मोटर पंप है, और पाइप वगैरह है, जिससे सामग्री है। सर, सामग्री आके अपने पास स्टोर हो चुकी है क्या? स्टोर अभी एक पंचायत में जिस क्लस्टर में वितरण करना है, उस क्लस्टर की ग्राम पंचायत में सामग्री रखवाई है। और सर, ये हितग्राही मूलक योजना है क्या? हाँ, हितग्राही मूलक। तो सर, फिर इसमें हितग्राही मूलक योजना है तो उसके बाद ये एक किसान के ऊपर थोपने जैसी बात नहीं हो गई ये सामग्री? सर, बरुणा कंपनी का सामान उसको दिया जा रहा है। इसमें जो शासन निर्देश थे उस तरह से इसमें कार्रवाई की गई है, क्योंकि स्पष्ट था कि एमपी एग्रो के माध्यम से सामग्री दी जानी है। तो